हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। सुबह के 7:45 बज गए हैं। थोड़ा सा टाइम रह गया है स्कूल का टाइम होने में। कितना रह गया? 8:15 बजे आती है वैन। कल छूट गई थी, आज वैन नहीं छूटने देना है। और नंदनी रोक्सी के साथ शरारत करने लगी है और रोक्सी भी इसके जूजू। क्या सूसू कर दिया रोक्सी ने? अच्छा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है ना अभी रोक्सी भी। हैं, वहीं जाओगे? नहीं वहाँ नहीं जाओ। छोड़ दे कितने प्यार से आप प्यार से बोल रहे इसके साथ में। इतना छोड़ दिया, प्यार करा करो इसके साथ में। देख डरते नहीं बेटा, वो लाड करे रोक्सी। प्यार कर ले दीदी का, प्यार कर ले। प्यार करे ना? हाँ, ये खेल ले इस तरह। प्यार करे है ना रोक्सी? दीदी का प्यार कर ले। क्या ली देख, क्या करेगी इससे प्यार? देख रोक्सी, प्यारा बच्चा। नु कर दो इसका, देख कितने मजे करेगी। देख रोक्सी को सहला दो भाई। देख कितने मजे आ रहे रोक्सी के। तो ऐसे कर दो, देख यहाँ पे सो जाएगी। सीधे हो जाओ रोक्सी। बाबू सीधे हो जाओ। बाबू सीधे हो जाओ ना। ऐसे हेलो करो नंदू के साथ। रोक्सी हेलो करो नंदू के साथ। हेलो देखो, उस पैर के साथ हेलो नहीं होता, यहाँ से होता है। देखो देखो हेलो डिंग 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 डिंग। अच्छा बच्चा है ना, देख कहता तो नहीं कुछ भी। और जब पूछो परेशान करोगे फिर तो करे। हेलो करो रोक्सी। चलो बाय कर दो इसे, चलो हम स्कूल चले। चलो आ दो क्या हो। चलो और ये देखो रोक्सी ने सुसु कर दी और ये पोचा उठा के लाई है। पोचा लगाएगी अभी, लगे आती है नंदनी। क्या कर दिया ना? सुसु कर दिया। और कैसे लगाते हैं? ऐसे ऐसे, इसे पता है पैर से लगाते हैं। पोचा ये वाला उठा के रख दो, बस हो गया। अरे तो पोचा ही पकड़ लिया उसने। ए आरुषि रेडी है एकदम, है ब्रेकफास्ट कर लिया? कर लो, ये रखा। क्या नहीं खाना है? और अब सिंपल खाना। ये क्या बात हुई भाई, सिंपल ही तो है ये। तो जी बच्चे स्कूल चले गए हैं और आज से स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्र। सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं, नवरात्र की बधाइयां। और फास्ट है मेरा भी और इसका भी। कुछ सामान अभी लाना है तो अभी रेडी होंगे, उसके बाद पूजा अर्चना पूजा पाठ करेंगे। और सामान में क्या आना है? नारियल आना है, लौंग आनी है और धूपबत्ती आनी है। फल फ्रूट्स लेना, लौंग धूपबत्ती फ्रूट्स, ये चीज़ें आनी है। बाकी चीज़ें रखी है, कपूर सामग्री वो भी चेक किया, वो रखी हैं। तो जी नवरात्र की जो है पूजा पाठ शुरू करेंगे अभी रेडी होके थोड़ी देर बाद। उससे पहले जो है मैं सामान ले आता हूँ। और जब तक हम जो है अपने यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। बच्चों को स्कूल भेज दिया है और सबको नाश्ता करा देंगे। अभी माँ और पिताजी रह गए हैं और बस फिर करेंगे आराम से बैठकर पूजा, और खाना बाद में बनाएंगे। और आज से हो रही है नए साल की शुरुआत, हिंदू नववर्ष की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ सामान जो है जो यहाँ नहीं मिलेगा मार्केट से, वो वहाँ बुढ़ाना पे मिलेगा। अमित लेकर आएगा, अमित जाएगा अपने पापा जी को ड्यूटी छोड़ने के लिए, तो उसे मैं बता देती हूँ। अभी वो तैयार है। हाँ। और क्या क्या चीज़ है? पान सुपारी है बस। पान नहीं मिलेंगे अमूमन। हाँ। पान नहीं खाता ना यहाँ गाँव में कोई इसलिए। पूजा का सारा सामान जो है मैंने छोटे कमरे में नीचे का पार्ट लगा लिया है, वहाँ पर रख लिया है।
और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, ये भी नहा लिए हैं, पूजा भी नहा के आ गई है, वो भी व्रत रखेगी। हम तो उसे मना ही कर रहे थे कि हम लोग तो है ही व्रत, तो कह रही नहीं मैं रह लूँगी, कोई बात नहीं। मैंने कहा चल तेरी जब ऐसी श्रद्धा है तो रह लेना। तो जी अब करेंगे हम लोग पूजा, और घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, बस खाना बनाना बाकी है। पूजा करने के बाद में फिर खाना बनाएंगे। और नंदू गई है गगन के साथ में रोक्षी को घुमाने के लिए अभी, नहीं तो वो काफ़ी देर से तैयार है और बार बार मुझे बोल रही है मम्मी गाड़ी आ गई। मतलब उसे ऐसा लग रहा कि हम नए कपड़े पहन के कहीं जा रहे हैं। अगर कपड़े थोड़े से कुछ पुराने से पहन लें ना तो उसे ऐसा लगे पता नहीं ये कपड़े नए हैं इनके। तो चलो जी पूजा करते हैं और आपको दिखाते हैं, जितना हमें आता है हम लोग उसी तरीके से करते हैं, और सबके अलग अलग तरीके होते हैं, मैं तो यही कहूँगी। बस ये है कि पूजा करने के लिए मन में भाव होना चाहिए भगवान के लिए। तो चलो, तो जी यहाँ पर सारी तैयारियाँ लगभग हो गई हैं, फल भी मैंने रख लिए हैं और मिश्री का भोग लगाने के लिए भी रख लिया है, तांबे के कलश में पानी रख लिया है, और जो मैं लुटिया में डाल रही हूँ ये चावल है और चीनी है। ये हमारे यहाँ पर दोकड़ जो है वो खाली नहीं रखी जाती है, और जो सर्दियों में नवरात्रे आते हैं उसमें तो नौरते बोए जाते हैं, लेकिन गर्मियों चैत्र वाले जो नवरात्रे आते हैं उसमें हम लोग जो हैं ये गेहूँ के दाने ही इसके नीचे रखते हैं, खाली दोकड़ नहीं लगाते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने दोकड़ जो है स्थापित कर दी है, और अब इसके ऊपर ये पानी वाला नारियल रख देंगे। और लौंग रख रही हूँ मैं यहाँ पर हवन में जो है चढ़ाने के लिए, लौंग, ध्वजा, नारियल और पान सुपारी, ये सारी चीज़ें मैंने पूजा के लिए मंगा ली है। और नंदनी जो है ध्यान से देख रही है, अभी वो कुछ बोल नहीं रही है, और मैं जय माता दी उससे बुलवा रही थी, लेकिन अभी एकदम शांत होकर वो देख रही है। ये देखिए कितनी शांत होकर बैठी है। और पिछले साल ये गुटलियों चलती थी इन नवरात्रे में, और पहले नवरात्रे में मैंने और प्रीति ने सेम कलर की साड़ी पहनी थी। और अभी बस यहाँ पर जोत लगा देते हैं, थोड़ा सा जो है हम लोग लेट हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, शुरू वाले दिन जो है थोड़ा सा हो ही जाते हैं लेट, फिर जो है अपने डेली की पूजा अपना जल्दी से ही कर लिया करेंगे। ये सारी चीज़ों की तैयारी करने में भी थोड़ा समय लग जाता है, और जो सामान जो है ख़त्म था वो मैंने अभी मंगाया है इनसे, जो जो पूजा की सामग्री थी। तो जी अब हम बैठकर यहाँ पर हवन पूजा करेंगे, और सारी कुछ इस तरीके से मैंने माता रानी की प्रतिमा को स्थापित किया है अपने घर में, ये देखिए। तो जी अब हम किताब पढ़ेंगे, पहला अध्याय नवरात्रे के लिए। पूजा हमारी हो चुकी है और अब हम कुछ खाए पिएंगे। पूजा क्या खाओगी? चाय पिएगी, दूध पिएगी? चाय। चाय चाय पिएगी पूजा। प्रीति भी चाय पिएगी मुझे पता है, मैं भी चाय पीऊँगी मुझे पता है। तो हम चाय पिएंगे और ये पिएंगे, क्या पियोगे? दूध। लेकिन हमारी तो सुबह की चाय ज़रूरी होती है, शाम की तो मैं मना भी कर दूं, लेकिन सुबह की तो ज़रूर पीती हूं। तो चलो जी चाय बनाते हैं। प्रीति जो है नंदनी को सुला रही है, और रोक्षी को भी मैंने उसका खाना दे दिया है, दही का, दही उसे डाल दिया है, वो पैरों में घूम रही थी बार बार। और अभी दूध गर्म कर रही हूँ इनके लिए, केले लेके आए थे ये सोप से, सुबह पूछ के रहते बैठ जा बेटा, बना रही है अभी चाय, चाय पी कर जब जाइए। कुछ करे थी क्या? नहीं, बस चाय पी कर जाइए। तो अभी बना लेते हैं, फिर हम तीनों पियेंगे चाय, और उसके बाद में करेंगे अपने आगे काम। अभी जो है मुझे करनी है कपड़ों की पैकिंग, क्योंकि मुझे जाना है मायके, और ये बैग मैंने यहाँ पर रख लिया है, कपड़े मैंने प्रेस करके रेडी कर रखे हैं, बस इस बैग में लगाने हैं। आप भी जाओगे? तो देखिए आज मायके जाने की तैयारी, बैग निकाल कर रख लिया, अभी पैकिंग सैकिंग चलेगी। और देखिए इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और जहाँ तक बात है कि मेरी खुशी भी कहीं पे भी टिक नहीं रही है, तो मैं भी खुश उतना ही हूँ। और बच्चे अपने मामा के जाएंगे, ये अपने मायके, और मैं अपनी ससुराल, आज सब के सब जाएंगे, तो यहाँ का टूर रहेगा आज। अभी फिलहाल बैग निकाल दिया है, कपड़े रखे जाएंगे बच्चों के, रिश्के ज़्यादातर मेरे तो तीन कपड़े होते हैं, अच्छा सन्यासी की तरह। और बच्चों के आने से पहले स्कूल से मुझे ये पैकिंग करनी है, नहीं तो फिर वो सारे कपड़े बिखेर देंगे, किसका ये किसका, बस उनका ये रहता है, मैं अपने हिसाब से इसमें लगा दूंगी, फिर वहाँ पे निकाल के पहनने के लिए इन्हें देती रहूँगी। तो चलो जी लगाते हैं, कपड़े प्रेस करके मैंने रेडी कर रखे हैं रात के ही, और अब बस बैग में लगाने, ज़्यादा देर नहीं लगने की, पैकिंग स्टार्ट और जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा कुछ पैकिंग नहीं, क्या दिन के नाम की करूँ, एक महीना रहे हूँ क्या? हाँ मैम चलूँगा। मैं लेके जाने की एक महीने का अतर, तू नहीं लेके जानेगी, अरे तुझे ही मैं ही लेके जा रहा हूं। कोई ना कहोगे तो कोई घर जवाई रह लगे क्या? चलो जी कोई बात नहीं, फिर जाएंगे, अभी तो बच्चों के स्कूल, ये तो थोड़ी सी मजाक थी, बच्चों के स्कूल चलेंगे, और दो दिन का ही टूर है बस, ये ज्यादा दिन का नहीं है,
और वो भी सैटरडे और संडे, आज सैटरडे और कल संडे, बस इतना ही रहेगा। और संडे की रात को हम लोग वापस आ जाएंगे। चलो जी, रखूँ दो कपड़े? हाँ, और क्या। बच्चों के स्कूल में से आने से पहले मैंने पैकिंग जो है वो कर दिया है। एक बैग में ही सारा सामान सेट हो गया है। दो दो जोड़ी कपड़े सबके आ गए हैं और एक जोड़ी रात के टाइम पहनने के लिए इन्हें चाहिए होते हैं बच्चों को। और दोनों के दोनों आते ही थोड़ा सा खा पी कर अपने काम में लग गए हैं, क्योंकि इन लोगों को फिर आकर मंडे में स्कूल में भी जाना है और संडे की छुट्टी है। संडे में ये पूरा फन करेंगे। हाँ ठीक है, तू जाओगा। और आरुषि जाएगी गोरा मामा के यहाँ पर कई दिन रहने के लिए, ठीक है। और वो भी खूब सारा तो फन करने वाली है। रहूंगी। हाँ, हम लोग एक दिन के लिए जाएंगे और आरुषि 5 दिन के लिए जाएगी। आरुषि काफी समझदार है, वो इस बार जिद नहीं करेगी। मामा के 2 दिन तक रही हो? हाँ, मामा के 2 दिन तक रहेंगे, तो इसकी जिद है 2 दिन तक रहने की। और ये फिर हम लोगों के वापिस आने के बाद में फिर ये जाएगी, है ना, नानी के घर। आइसक्रीम भी खाऊंगी। आइसक्रीम भी खाएगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी, जितने भी इसके फ्रॉक है ना, लॉन्ग और शॉर्ट, वो सारे के सारे लेके ये एंजॉय करने वाली है अपने मामा के घर, है ना। और इस मैं बार तो 2 बार जाली। हाँ, 2 बार जाली, शादी में गई थी ना ये अपनी मौसी की, तो उसे याद है। और ये देखिए, यहाँ पर इसको आज फिर गुड मिला है। इसने बहुत अच्छी ड्रॉइंग कर रखी है और वो भी लगा पड़ा है अपनी ड्राइंग में ही, कभी खब्बे हाथ से तो कभी सज्जे हाथ से। अब ये इसको बताने वाली है कि भाई ये बाहर नहीं निकालना है, इसको अच्छे मेरे पास है, थूक तो नहीं मिटने की फट जगी। अबे थूक से कौन मिटाता है भाई, देखो वो ले आई रबड़ निकाल के। मिट गया। इरेजर ले लें, दीदी ने दे तो दी। मम्मी पंखा चला दो। आरुषि को कलर के बारे में ज्यादा नॉलेज है, आरुष से वो उसे बता रही है, भाई यहाँ पर येलो भरना है, यहाँ पर ग्रीन भरना है, उसमें मैंगो में मैंगो का उसका नंबर आ गया है। और इसकी चल रही है रॉकेट, ये रॉकेट में भर रही है, वो मैंगो में भर तो रहा है। लड़के को ड्राइंग में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लड़के को नहीं होता। अच्छा, और चल इसकी सुसु साफ कर दे, ये कर दी इसने यहाँ पर आकर, बाहर घूम के आई है, सुसु यहाँ पर कही है, देख कितने अच्छे संस्कार है इसके। बार भी करी थी, आज इसकी संकल आवागी और पट्टा। देख बाहर घूम के आई है और यहाँ सुसु कर दी इसने। चल लाके रे बाबू, मैं कर दूंगा साफ। साफ करो ओहो बाबू। दीदी और कह देगा गल, दीदी जाइए, मुझे नहीं करना। नको दीदी जी इसकी सुसु साफ कर दो। मैं नहीं करती। चिंकी लड्डा, अभी 1 हफ्ते तक इसकी सुसु पोटी साफ करेगा ना कि मैं। इसने प्रॉमिस किया कि मैं कर दूंगा खुद, ठीक है। और इसे सुबह शाम घुमाने की जिम्मेदारी भी अब इसकी है।